हेलो एवरीवन, मैं दिलीप विश्वकर्मा। नेटवर्क कोडिंग चैनल में आपको कंप्यूटर नेटवर्क कोडिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन के लिए एक छोटा सा पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम एक वीडियो देख लेते हैं। यह है सिस्को पैकेट ट्रेसर, जो सिस्को कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे कैसे, इसके ऊपर हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो हम इस पर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से एक राउटर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, यहाँ राउटर आ गया है 2811। एक राउटर ले लेते हैं और ये स्विच है, हम यहाँ से स्विच ले लेते हैं। और ये लैप, यहाँ से हम एक पीसी है, लैपटॉप, सर्वर, कुछ भी ले सकते हैं आप। हम लैपटॉप ले लेते हैं, जैसे एक छोटा सा कनेक्शन वीडियो। ये है वायर। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के वायर हैं, तो हम सारे वायर का ज्ञान तो हमें है नहीं। तो एक काम करते, हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर ज़रूरत के हिसाब से वायर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ये टोपोलॉजी हमारा बन गया है, एक सिंपल सा छोटा टोपोलॉजी हमारा बन गया है। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर कुछ नोट्स निकाल लगा देते हैं। जैसे ऊपर के जो पोर्ट्स पोर्ट हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। FA 0x0 पोर्ट है और यहाँ एक आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.1.1। ठीक है, ये आईपी एड्रेस राउटर के इस इंटरफेस को मैं दिया हूँ और ये इसका इंटरफेस है FA 0x0। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये वही वही FA 0x0 ही है। ये देखिए FA 0x0। ठीक है, अब इसके लिए अब हम एक काम करते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं और यहीं पर तो हम इसका नाम देते हैं R1। राउटर का नाम R1 है। राउटर का कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले हम इनेबल करते हैं पोर्ट को, पहले इनेबल करते हैं राउटर को, कॉन्फ़िगरेशन को, फिर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में चलते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद आप होस्ट नेम देंगे। होस्ट नेम जो भी देंगे वही कंप्यूटर, वही उस राउटर का नाम होगा। चलिए मैं R1 दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इंटरफेस में चलते हैं। इंटरफेस में, इंटरफेस का मतलब है कि इस पॉइंट, ये जो वायर है वो जिस पोर्ट से कनेक्टेड है उसी को इंटरफेस कहते हैं। और ये FA 0x0 से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ FA 0x0 दे देंगे। FA का मतलब फास्ट इथरनेट। ठीक है, उसके बाद आईपी एड्रेस देना पड़ता है, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। जैसे कि आपको पता है ये क्लासिक आईपी है, सबनेट मास्क देना पड़ता है 255.255.255.0। उसके बाद नो शट डाउन। बस राउटर के इंटरफेस को अप करने के लिए, ऑन करने के लिए हमें इतना ही कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। तो अब हम एक काम करते हैं, राउटर में चलते हैं। इसके सी, ये है राउटर हमारा। ठीक है, ये है हमारा राउटर, फिजिकली ऐसा दिखता है। और यहाँ एक पावर बटन है जिससे ऑन ऑफ भी किया जा सकता है, आप इसे अलग से पोर्ट भी लगा सकते हैं, सब आगे बताएंगे। ये है CLI मोड। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस यहाँ हम हमेशा नो टाइप करते हैं, यस टाइप कराएंगे तो ये अपने तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कराएगा। नो टाइप करेंगे तो हम अपने तरीके से मैनुअल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दो तीन बार इंटर प्रेस करने के बाद अब हम उसी नोटपैड में आएंगे और अपने इस कॉन्फ़िगर को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से राउटर में आना है और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। देखिए, बिल्कुल सही ले लिया है और हमारा, उम्मीद करते हैं, अप आ गया है। देखिए, चेंज स्टेट टू अप, इसका मतलब है कि मेरा इंटरफेस अप आ गया है। इंटरफेस ये देखिए ग्रीन हो गया, रेड से ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये अप आ गया। इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ये ग्रीन हो गया। लैपटॉप में भी चलते हैं और लैपटॉप को भी एक आईपी दे देते हैं, तभी पता चलेगा मेरा कनेक्शन कैसा है। यहाँ आईपी में चलते हैं, लैपटॉप के डेस्कटॉप मोड में आते हैं। एक मिनट, मैं दिखा देता हूँ फिर से, मैं फिर से दिखा देता हूँ। लैपटॉप के डेस्कटॉप मोड में आएंगे और आईपी में आएंगे। ठीक है, आईपी में आने के बाद हम यहाँ आईपी देंगे स्टैटिक आईपी 192.168.1. हम इसे 2 देते हैं क्योंकि 1 राउटर को दिया गया है, 2 तो 1 इसके लिए गेटवे बन जाएगा। यहाँ सबनेट मास्क देते हैं और इसे ही जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, गेटवे हमारा 1 है। देखिए, राउटर में जो इंटरफेस दिया गया है ये कंप्यूटर के लिए गेटवे बन जाएगा। राउटर के पोर्ट को दिया गया जो आईपी होता है वही कंप्यूटर के लिए गेटवे बन जाता है। गेटवे का मतलब इसी गेट से होकर हमारे कंप्यूटर के सारे ट्रैफिक आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो बस
अब देख लेते हैं मेरा अगर सब सही है तो अब पिंग करके देख लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और फिर पिंग करते हैं 192.168.1.1, मतलब हमको गेटवे को पिंग करना है। ठीक है, ये देखिए गेटवे पिंग हो रहा है, इसका मतलब मेरा पूरा कनेक्शन एकदम सही है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।